हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आई हूँ। ये आ रही है टाटा पावर लिमिटेड की तरफ से। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रही है, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताने वाली हूँ आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है और साथ ही साथ किस तरीके से आपको डाटा भरना है, कैसे आप लोग को साइट पर पहुंचना है, ये सारा मैं चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को गूगल क्रोम खोलना है, वहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सर्च कर रखा है यहाँ पर, और सर्च करने के बाद आप लोगों को ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोग देखिए, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है टाटा पावर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। देन आप लोगों को क्या करना है, इस पर टच करना है। तो इस पर टच करने के बाद जो है आपको एक नया इंटरफेस मिलेगा देखने के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग को इस प्रकार का एक इंटरफेस मिलेगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर जो टाटा पावर है उसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोग को सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए, आप लोगों को एक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन है एक, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन एंड पे बिल। तो इस तरीके का आप लोग देख लें कि आप लोग के में इंटरफेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों के में इंटरफेस इस प्रकार का नहीं आ रहा है, तो आप लोग कोशिश करें कि इसे जो है डेस्कटॉप मोड पर ओपन करें। अगर आप लोग डेस्कटॉप मोड पर पहले से ही ओपन हैं, तो अगर आप लोगों का फिर से ये नहीं आ रहा है, तो आप लोग कोशिश करिए कि फ़ोन में ओपन करिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मैंने जब फ़ोन में ओपन किया तो नहीं आया, कई बार डेस्कटॉप में, तो इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोगों को इस टाइप का ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, साइट में आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं एक ये थ्री लाइंस दिखेंगी, जहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप लोग के पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आएंगी। ओके, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कैरियर पर जाना है। कैरियर देखिए आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, मैं आप लोगों को अच्छे से ड्रॉ करके बताती जा रही हूँ। देखिए, ये आपको अपने फ़ोन में या फिर किसी लैपटॉप में आप लोग ओपन कर रहे हैं, तो आप लोग को दिखाई देगा कैरियर्स। तो आपको कैरियर पर क्लिक करना है। तो कैरियर पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपको देखिए कुछ अलग टाइप का इंटरफेस नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जैसे देख सकते हैं आप लोग, कैरियर पर टच करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इस टाइप का निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, लाइफ एट टाटा पावर, ज्वाइन अस। जब आपको ज्वाइन अस दिख जाएगा, तो उसमें ऑप्शन में एक दिखेगा फ्रेशर। तो देखिए, आप लोग ऐसा ना करें कि ये जो है कैंपस रिक्वायरमेंट, आप लोग इस पर क्लिक कर दें। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया, तो आप लोग किसी अलग ही इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप लोग जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप उसी पर क्लिक करिए। जैसे मैंने आप लोग को बताया फ्रेशर, तो आप लोग को फ्रेशर पर क्लिक करना है। देन आप देखिए, यहाँ पर मैं फ्रेशर पर क्लिक करती हूँ, तो देखिए एक नया टैब खुलेगा, जिससे आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मेन आप लोग की साइट खुल गई है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुलने के बाद में ये न्यू टैब खुल जाएगा। आप लोग को जब यहाँ पर इस प्रकार की साइट दिख जाए, तो आप लोग को थोड़ा देखिए यहाँ पर नीचे जाना है। ओके, जब आप लोग नीचे जाएंगे, तो आप लोग को तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं आप लोग को ड्रॉ कर करके बताती जाती हूँ। जैसे एक आएगा आपका एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, दूसरा देखिए रजिस्टर, तीसरा लॉगिन। तो आप लोग का जब इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आप लोग को ये जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करना है। मतलब यहाँ पर आपको जब क्लिक करेंगे, तो आपको एक न्यू इंटरफेस निकल कर आएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, मेरे साथ में यहाँ पर एक नया इंटरफेस निकल कर आ रहा है, मतलब नया टैब खुल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर नया टैब खुल गया है। यहाँ पर देखिए, मैंने काफ़ी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार से आप लोगों को साइट पर लेकर जाते हैं और इस तरीके से बता देते हैं कि आप लोग जर्च यहाँ से कई सारी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप लोग इस तरीके से जॉब यहाँ पर सर्च करते हैं और इस तरीके से आप लोग इस फॉर्म फिल कर देंगे, तो ऑल इंडिया में आप लोग पहुंच जाएंगे। मतलब आप लोगों को जैसे अदर कंट्री है, आप लोग कंट्री सर्च नहीं करेंगे या कंट्री यहाँ से सेट नहीं करेंगे, तो अदर किसी कंट्री में फॉर्म फिल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आप लोग रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि कंपनी यही देखती है अपने आसपास में
कि उनके आसपास के स्टूडेंट्स ही उन्हें मिलें। जैसे आप लोग मान लीजिए कि कोई भी कंपनी यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं और आप लोग को इंडिया की बजाय अदर कोई जैसे अमेरिका, चाइना, इस तरीके से अलग किसी कंपनी में फॉर्म भर दिया जाता है, तो क्या होगा, वो अपने आसपास के लोगों को ही करेगी, अपने आसपास के लोगों को ही लेगी, तो आप लोग को रिजेक्ट कर देगी। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिए, यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ पर सेट है ऑल। तो ये जो ऑल पे सेट है, इसका मतलब है कि आप लोगों आपने सेट नहीं किया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में से आपका जो जहाँ से भी ये कंपनी है की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से आप लोग ने जो फॉर्म फिल किया है वो भरा जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इस ऑल पे जाना है और देखिए यहाँ पर आप लोग को ऑल पे जाकर अपनी कंट्री सर्च करनी है। देखिए आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर ऐसे करेंगे तो आप लोग को ए दिखाई दे रहा है, इंडिया आई, ठीक है, तो ए बी, अब देखिए सी, इस तरीके से आप लोग करते जाइए तो इंडिया आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा, उसे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ओके, अभी आ जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लीजिए, मैं आप लोग को करके बताती हूँ। देखिए थोड़ा नीचे है मेरे में, देखिए ये देखिए आ चुका है, मैं आप लोग को ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ आप लोग को थोड़ा देखिए, ये दिख रहा है आप लोग को, यस इंडिया। तो आप लोगों को यहाँ पर ये सेलेक्ट कर देना है, जब मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूँगी तो इससे क्या होगा, जो भी इंडिया में वैकेंसी होंगी वही मुझे दिखाई देंगी। अब देखिए मुझे थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाकर मुझे एक और यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है सेलेक्ट मेथड, ये देख सकते हैं आप लोग सेलेक्ट मेथड, इसके नीचे आप लोग को यहाँ पर एक कह रहा है एट लीस्ट वन सर्च, यहाँ पर देखिए आप लोग को सर्च करना है, तो इसको क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, स्टार्ट एंड रीसेट, तो आप लोग को स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो आप लोग का एक न्यू टैब खुलेगा, देखिए इस टैब से ओके। अब देखिए जहाँ यहाँ पर जितनी भी आप लोग की जॉब होंगी, जैसे आप लोग को यहाँ पर इस टाइम पे जॉब है आपकी सुपरवाइजरी ट्रेनी की, और देखिए यहाँ पर फंक्शन और इस तरीके से डेट है आपकी वन, मतलब जो है वन डेट है 1 दिसंबर 2021 में, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी ओके। अब देखिए ये देख सकते हैं आप लोग, पब्लिश की गई है यहाँ पर 24/11/2021 में, मतलब 24 नवंबर को ये पब्लिश की गई है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, ये सुपरवाइजरी ट्रेनी लिखा है, देखिए यहाँ पर ये सुपरवाइजरी ट्रेनी जो लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद आपका एक और न्यू टैब खुलेगा, जब आप लोग का न्यू टैब खुल जाएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए अप्लाई और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने अप्लाई के इस पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं अप्लाई के इस पर क्लिक करती हूँ तो आपका एक और नया इंटरफेस खुलता है, देख सकते हैं आप लोग को यहाँ से क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट नेम, तो आप लोग को यहाँ फर्स्ट नेम करना है, आप लोग का कोई भी नाम है या कोई जो भी है अपना, आपका नाम, अपना नाम फिल करें। अभी आप देखिए कह रहा है सेकंड नेम, मान लीजिए आप लोग का कोई सेकंड नेम है तो फिल करें, बाकी आप लोग इसे खाली छोड़ सकते हैं अगर आपका कोई सेकंड नेम नहीं है तो। अब देखिए यहाँ पर आपका लास्ट नेम फिल करना है, देन आपका पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड। अब देखिए यहाँ पासवर्ड को अगेन रिपीट करना है, यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी, अब क्या करना है, आप लोगों को ईमेल आईडी आप लोग भरेंगे, आप लोग वही ईमेल आईडी भरें जो आपने रिज्यूम में डाली होगी, रिज्यूम में आप लोगों ने अपनी सीवी में डाली है, आप लोग इसी ईमेल आईडी को डालें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे, आप लोग को ये ऑप्शन दिखाई देगा रिपीट ईमेल आईडी, देखिए यहाँ आप लोग रिपीट ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ डाली थी, मतलब जो रिज्यूम में डाली है वही ईमेल आईडी यहाँ पर रिपीट करेंगे, आप लोगों को वही ईमेल आईडी डालनी है जो आप लोगों ने उसमें
सीवी में या फिर रिज्यूम में यूज़ की है। ओके, अब देखिए थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग का यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा इस प्रकार का इंटरफेस। तो आप लोग को यहाँ पर कह रहा है ये आप लोग को इस पर क्या करना है, टच कर देना है। मतलब आप लोग जब टच करेंगे, मैंने अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल नहीं किया, आप लोग जब यहाँ इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो इस तरीके से टच कर देंगे। यहाँ पर देखिए नीचे इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, रजिस्टर एंड अप्लाई। मतलब आप लोग यहाँ से रजिस्टर हो जाएंगे एंड जहाँ से रजिस्टर होने के बाद आप लोग का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, आप फॉर्मला अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी करिए, फिर आप लोग ये बोलते हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी जॉब की इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं। तो देखिए इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। मैंने एक दो दिन पहले वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, जो कि क्या होगा कि थोड़ा लेट बना पाई थी, उसका डेट जो है थोड़ा नज़दीक आ गया था। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। मुझे जितनी जल्दी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं उतनी जल्दी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ला देती हूँ। तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिए, और बाकी अगर आप लोगों को सर्च नहीं करना आता है तो मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उस लिंक से जाना है और आप लोग को इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, इसी तरीके से क्लिक करना है और आपको इस तरीके से फॉर्म भर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।